रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये फॉर्मूले का एक सिलसिला चल रहा था, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, फंडामेंटल लॉ, टेंजेंट्स लॉ, ये हम प्रूव कर चुके थे। आज हम मजीद कुछ आगे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूले भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में आपके आते हैं, तो इनको तवज्जो के साथ देखें, समझें और मजीद समझने की कोशिश भी करें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर आपको बार बार ये बात समझाई जा रही है कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें, बताएं, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। और कोशिश ये भी करें कि हर वीडियो जो आप देखते हैं उसको अच्छी तरह पहले देखें और फिर उसमें जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों उस मुतालिक भी अपनी राय दीजिए, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, इसकी वजह से आपको मुश्किल फेस करना पड़ रही है, उसकी निशानदेही भी करें ताकि हम आइंदा उसको और बेहतर करें और आपके लिए और ज़्यादा आसान करें। आपकी राय बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना वाकईतन मुश्किल एक चीज़ है, लेकिन अब चूँकि सिचुएशन जिस तरह की चल रही है उसमें आपको अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन पर समझने की कोशिश भी करें और समझना सीख भी जाएं। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एक फॉर्मूला है जो हमने भी फंडामेंटल लॉ प्रूव किया था, वो असल में बुनियादी फार्मूला है। ये फंडामेंटल लॉ प्रूव कर चुके हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी इसी से मजीद नया फार्मूला बनाते हैं हम कि हमने किया ये कि बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करते हैं, बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करते हैं, जहां जहां बीटा है वहां माइनस बीटा रख दी, बस इतना सा काम करना है। फिर ये एक फार्मूला है, ये मेट्रिक क्लास का फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा आगे, आपको मालूम है, मैं बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद रखेंगे साइन में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव साइन खत्म हो जाती है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दो बातें याद रखने की। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम देख रहे हैं, हमारे पास होता है कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं हम, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब जहां जहां भी हमारे पास बीटा है वहां हमने माइनस बीटा पुट करना, तो ये फॉर्मूला था एक्चुअल कॉस माइनस बीटा, ये फॉर्मूला जो था यहाँ से, ये यहाँ से, तो एक माइनस ये आला और एक माइनस ये आला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा अपनी जगह मौजूद है जो ये यहाँ से फॉर्मूले के तहत इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं, कॉस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बीटा, जो भी हम बात कर रहे हैं, प्लस का साइन, फिर साइन अल्फा ऐसी है और साइन बीटा की जगह आ जाएगा, ये जो साइन बीटा है इसकी जगह आ जाएगा माइनस बीटा। फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अभी जो फॉर्मूले के तहत कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर ये कॉस अल्फा और कॉस माइनस बीटा था, तो कॉस में माइनस का साइन खत्म हो जाता है, जो फॉर्मूला बताया था, तो कॉस बीटा हो गया, और फिर यहाँ प्लस का साइन था, वहाँ पर साइन माइनस बीटा का, तो माइनस का साइन शुरू में आ गया, ये आगे यहाँ गया, साइन माइनस बीटा जो था माइनस साइन हुआ, तो माइनस यहाँ आ गई, यहाँ प्लस का साइन था, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, साइन ये नहीं हो गया, साइन बीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने एक प्रूव कर लिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर ये आपको ये आमतौर पर आता नहीं है, कम ही कम आता है, ज़्यादातर फंडामेंटल ला आता है, तो अगर ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको यहीं से स्टार्ट देना पड़ेगा। आप लिखेंगे एज वी नो दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर हम पुट कर देंगे बीटा की जगह माइनस बीटा, और ये दो फॉर्मूले भी हम मेंशन करेंगे, साइन माइनस थीटा में माइनस साइन शुरू में चला जाएगा, कॉस माइनस थीटा में माइनस का साइन शुरू में चला जाएगा,
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये भी मैट्रिक का एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था पढ़ लें, पढ़ा तो होगा, याद नहीं है। कॉस, उसमें हमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अगर हम इसको फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करें, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आखिर में जो हमने प्रूव भी किए थे, ये प्रूव होके साइन थीटा बन जाएगा। मैट्रिक एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, और जो यहाँ एंगल होगा थीटा, वो थीटा यहाँ जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से एक नया फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। अब इसमें हम ये कह रहे हैं थीटा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा अप्लाई कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, जहां जहां थीटा है वहां अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा गौर से, ये तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, मैंने यूं लिख दिया साइन थीटा इधर आ गया, और ये कॉस इस तरफ लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब थीटा की जगह गया अल्फा प्लस बीटा, जो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, कॉस पाई बाई टू तो मौजूद है माइनस, और थीटा की जगह गया अल्फा प्लस बीटा, इस तरह के ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए तो अब ये फॉर्म क्या बन जाएगी, कॉस हमने इसको इस तरह कर लिया, कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा ऐसे कर लिया, और माइनस बीटा को अलग कर दिया, इसको एक टर्म बना ली, उसको अगली टर्म बना ली, इसको यहाँ कर दी ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा ना, यहाँ पे कर दी ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ताकि ये इसके साथ जुड़ा रहे, वरना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कल री बीटा के बाद एक कल री ब्रैकेट, जैसे ये बना ना कल री ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था फंडामेंटल ला, वो तक खोल रहा हूँ। तो कॉस अल्फा, जब अल्फा कहेंगे तो ये लिखेंगे, और बीटा कहेंगे तो बीटा लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस के माइनस के फॉर्मूले में प्लस साइन अल्फा, जब अल्फा कह रहे हैं तो ये अल्फा है, ये अल्फा, देखिए कर्सर को देखें, ये पूरा अल्फा, तो साइन अल्फा और साइन बीटा, और बीटा कह रहे हैं तो ये बीटा है। अब हम देखते हैं, अभी जो बात फॉर्मूले की हमने पीछे की थी कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख लीजिए अपने पास, ऐसे लिखें, ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा का मतलब जो यहाँ होता है, तो यहाँ है अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस अल्फा को जब इज इक्वल टू करेंगे तो जाएगा साइन अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा, आ गया ना साइन अल्फा, और कॉस बीटा अपनी जगह ऐसे मौजूद है, इसको फॉर्मूला इसकी जगह लिख दिया हमने साइन अल्फा, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, कॉस 90 माइनस थी अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन और सेकेंड एंगल, तो ये साइन अल्फा आ गया, ये कॉस बीटा आ गया, प्लस का साइन, अभी फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह के साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा, फॉर्मूला जो ऊपर था, तो ये साइन 90 माइनस अल्फा तो कॉस अल्फा ही आ गया, और साइन बीटा मौजूद है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो अगर ये फॉर्मूला प्रूव करने को कहा जाएगा तो ये हमने कहाँ से चलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपने थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा पुट किया, ये जो फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ, साइन यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले ऐसे लिख लीजिएगा, एक सो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बुक में भी होंगे वहां से भी देख लीजिएगा, ये दो फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम, एक नया फॉर्मूला ये प्रूव हो गया, फिर एक और फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं, देखिए ये वही चीज़ जो अभी हमने पीछे की थी, वही दो फॉर्मूले यहाँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा में कॉस थीटा, नेगेटिव साइन खत्म हो जाती है, एक नया फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं। देखिए अभी जो भी फॉर्मूला प्रूफ किया साइन अल्फा प्लस बीटा,
फॉर्मूला तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, अभी प्रूव करके आए कॉस अल्फा साइन बीटा, अब इसमें भी वो कर रहे हैं जैसे भी हम पहले ही करके आए, बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर लेते हैं सब जगह बोथ साइड, यहाँ माइनस बीटा रखा तो साइन माइनस बीटा हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह माइनस बीटा कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये साइन अल्फा आ गया कॉस बीटा आ गया, फिर ये प्लस का साइन कॉस अल्फा साइन माइनस थी बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये आ गया ठीक है, साइन में नेगेटिव साइन रहती है तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ये नया फॉर्मूला होगा। जब आपसे ये आमतौर पर प्रूफ करने के लिए कम कम आती है छोटे फॉर्म में, अगर ये प्रूफ करने के लिए आएंगे तो पहले आपको ये सारा प्रूफ दिखाना पड़ेगा, साइन अल्फा बेस बीटा का फॉर्मूला पहले पूरा प्रूफ करेंगे फिर यहाँ से इसको शुरू करेंगे। अगर ये सवाल दे दिया जाए फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करें, तो उसके लिए फिर आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा पूरा, जब हम प्रूफ कर कर आए ऊपर तो पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकलने के बाद, फिर ये पुट करेंगे तो ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर माइनस का फॉर्मूला आएगा तो पहले आपको प्लस का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद फिर ये दो स्टेप करके तीसरा स्टेप में वो माइनस का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आमतौर पर माइनस का नहीं प्लस का ही फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए वो देते हैं आपको। अब हम आ जाते हैं ये टेंजेंट का अल्फा प्लस बीटा का नया फॉर्मूला। तो टेंजेंट को हमने ब्रेक कर लिया साइन अपॉन कॉस, ऊपर साइन का फॉर्मूला खोल दिया नीचे कॉस का फॉर्मूला खोल दिया, दोनों फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, याद होगा आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस के फॉर्मूला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए जब टेंजेंट का होगा तो इस तरह हमने किया, आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा से, ऊपर भी और नीचे भी हर टर्म को डिवाइड कर दिया ठीक है, हर टर्म को इसको भी डिवाइड किया इसको भी डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी, तो जो सेम टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी ठीक है ना। देखिए इसमें कॉस बीटा से कॉस बीटा खत्म हो गया, यहाँ क्या रह गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये जो ये तो वही चल रहा है लेफ्ट साइड तो वैसे ही चल रही है ये ठीक है, हम राइट साइड की तरफ बात कर रहे हैं ना, राइट साइड। तो ये कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, पहले ऊपर की बात करते हैं। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा टेंजेंट अल्फा, ये टेंजेंट अल्फा आ गया, आ गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा आ गया, प्लस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा ये टेंजेंट बीटा हो गया, डिवाइडेड बाय ये पूरा कैंसिल हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कैंसिल हो गए वन आ गया, ये वन आ गया, माइनस का साइन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। ये टेंजेंट का फॉर्मूला हमने प्रूव किया, जब टेंजेंट का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये फॉर्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये लेफ्ट साइड तो है सिर्फ राइट साइड को इसको हमने खोला, तो ये हमारे पास हो गया साइन अपॉन कॉस, ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और फिर हमने डिवाइड कर दिया हर टर्म को कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, जो कैंसिल हुआ काट दिया, जो बाकी बचा ये फॉर्मूला ठीक है। तो ये हमने प्लस का कर लिया, इसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा ना ठीक है। देखिए मतलब इसी फॉर्मूले को हम बीटा की जगह माइनस बीटा रख देते हैं, अगर आपको टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा होगा तो पहले प्लस का फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा जैसे भी मैंने बताया आपको, फिर उसके बाद ये दो स्टेप बढ़ा के तीसरे स्टेप में माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए दिया है तो पहले हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, फिर बाय पुटिंग बीटा की जगह माइनस बीटा रख दीजिए लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट माइनस बीटा आ गया, जैसे साइन में माइनस का साइन खत्म नहीं होता सिर्फ कॉस में और सेक में खत्म होगा ना, तो वही आ गया वन, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा ये आ गया, और ये माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस बना देगा ये बन गया, बाकी सब वही है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट। तो इसमें अगर आपके पास ये माइनस वाला फार्मूला प्रूफ करने के लिए आए तो पहले हमें प्लस का फार्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, जो अभी हम ये प्रूफ कर कर आए ये प्लस का टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, ये पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद
फिर आपने आगे ये दो स्टेप और बढ़ाने होंगे, लिखेंगे बाय पुटिंग बीटा की जगह माइनस बीटा। मैं आपको माइनस का ही फॉर्मूला प्रूफ करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बात। मैं टेस्ट वगैरह लूंगा तो ये माइनस ही का प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। ये कॉट के फॉर्मूले तो आमतौर पर नहीं आते, लेकिन उसको भी हम कर लेते हैं। कॉट को हमने 1/ टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दिया अभी जो हम कर कर आए, ठीक है। डबल फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगा ऐसे करके। हमारे पास ये कॉर्ड को हमने टेंजेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, वन पहले वो पलट दिया ऊपर चला गया, अब टेंजेंट अल्फा की जगह के 1/ कॉस अल्फा और 1/ कॉस बीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये माइनस का साइन है, तो एलसीएम हमें इन दोनों के दरमियान लेना पड़ेगा। और नीचे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा के 1/ कॉट अल्फा 1/ कॉट बीटा, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, इसके नीचे वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होगा, वन से जब कॉट अल्फा कॉट बीटा को डिवाइड करेंगे हम ये पूरा आंसर आ जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का साइन, कॉट अल्फा कॉट बीटा डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, वन 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 द वन आ जाएगा। इसी जगह से नीचे भी एलसीएम ले लिया हमने कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो कॉट अल्फा से डिवाइड किया तो कॉट अल्फा कैंसिल, कॉट बीटा रह जाएगा, कॉट बीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं हम। कॉट बीटा डिवाइडेड बीटा कैंसिल कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा यहाँ आ जाएगा, हमने तरतीब को सीधा कर दिया, ये सेम टर्म थी कैंसिल हो गई, पलट के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस साइन माइनस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो कॉट का फॉर्मूला भी आप कर लीजिएगा, फिर कॉट अल्फा माइनस बीटा को भी हम ऐसे ही करते हैं कि पूरे फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं बजाय बीटा माइनस रखे। वैसे भी आप करके देखिएगा ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कॉट अल्फा माइनस बीटा तो 1/ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, अभी जो हमने प्लस में किया था ये फॉर्मूला खोल दिया मैंने, डबल फ्रैक्शन था पलट दिया, फिर उसके बाद ये टेंजेंट को 1/ कॉट 1/ कॉट, बिल्कुल वही प्रोसेस सारा चल रहा है, कोई ऐसा खास नहीं है ना, ठीक है। उसमें भी फिर वही कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन, तो नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो ये कॉट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन तमाम फॉर्मूलों को एज असाइनमेंट्स आप फेयर करके साफ सुथरे अंदाज में, और इसको आप एज असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। जितने फॉर्मूले बताए गए ये तमाम के तमाम फॉर्मूले, अभी मजीद भी कुछ फॉर्मूले बाकी हैं तो वो भी इंशाल्लाह फिर मैं आपको मजीद बताऊँगा, तो वो भी करने हैं। अभी तो फिलहाल ये तमाम फॉर्मूले आपका असाइनमेंट भी है और आपके टेस्ट के हवाले से ये टॉपिक भी है, मैं किसी वक्त इसका एक सरप्राइज टेस्ट भी ले लूँगा। ये तमाम के फॉर्मूले, ये जो भी चार पहले थे और आज हमने ये मजीद फॉर्मूले किए हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दिया करें हर लेक्चर को सुनने के बाद, ताकि टीचर्स को अंदाज़ा हो अच्छा लगा तो भी वो उसको भी इत्मीनान हो कि नहीं हम जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और वो उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो आप वो भी हमें बताएं ताकि हम उसको इसलाह करें और उसको मज़ीद आसान करें, ठीक है। इसकी तैयारी करें और असाइनमेंट जल्द से जल्द बना कर सबमिट कराएँ। ओके।